हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका जैन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका मेहंदी आर्ट। फ्रेंड्स, आज की जो मेरी डिज़ाइन है कुछ यूनिक एंड फ्लोरल बेस है एंड फैंसी क्रिएशन मैं आज करने वाली हूँ। तो उसमें मेरा थोड़ा शेडो वाला भी लुक रहेगा, देन नॉर्मल मैं चेक्स की डिज़ाइन लेने वाली हूँ। तो अभी मैंने यहाँ पर देख रहे हो आप, एक स्पायरल ड्रॉ किया है, उसके बाद छोटे छोटे मैं स्कैल्प ड्रॉ कर रही हूँ। इस तरीके से आपको बारीक बारीक स्कैल्प बनाना है। फिर एक मैं फ्लावर ले रही हूँ। आप यहाँ पे कोई भी शेप में आप फ्लावर ले सकते हो, हार्ट शेप में ले सकते हो, आप पेटल्स का फ्लावर यूज़ कर सकते हो, बट मैं थोड़ा सा शेडो लुक उसमें देने वाली हूँ, इस वजह से मैंने थोड़ा सनफ्लावर वाला लुक दिया है। इस तरीके से मैं सनफ्लावर्स की पेटल्स ड्रॉ कर रही हूँ। आप देख सकते हो आपका जो डिज़ाइन है, अगर आप ऐसी डिज़ाइन बनाना चाहते हो तो ध्यान रहे कि जो आपका कोन है उसका जो पिन साइज़ है वो एकदम बारीक और पतला होना चाहिए। अब मैं कोई पिन साइज़ यूज़ नहीं करती हूँ, बट अगर फिर भी आपको यूज़ करना है तो आप 0.5 का पिन साइज़ आप यूज़ कर सकते हो। अगेन मैं सेकंड फ्लावर यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ हाफ बेस में। सो फ्रेंड्स, ये डिज़ाइन बनने के बाद काफ़ी ब्यूटीफुल लगने वाली है। पूरी डिज़ाइन जब बन जाएगी तो आप देखना, बहुत यूनिक क्रिएशन है। देन इसमें टाइम जो है मुझे अप्रोक्स 10 to 20 minutes लगे हैं, और मैंने थोड़ी सी स्पीड फास्ट करके मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी अगर आप इस डिज़ाइन को बनाओगे तो हाफ एन आवर में ये डिज़ाइन आपकी कम्प्लीट हो जाएगी। थोड़ा मैं कटवर्क बेस भी इसमें ऐड करने वाली हूँ, कटवर्क के डिज़ाइन, जो मेरा साइड पार्ट डार्क रहने वाला है, अंदर शेडो का कुछ लुक दूंगी और उसके बाद हम लोग उसमें फिलअप करेंगे। सो यहाँ पे थोड़ी सी मैं शेडो दे रही हूँ, रिवर्स दे, यहाँ पे रिवर्स मैंने शेडो लिया है, अपोजिट। एक साइड मैंने नॉर्मल लाइंस ऐड किए, उसकी अपोजिट लाइन सेकेंड पेटल्स में ऐड किए। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से आपको शेड देना है। यहाँ पे शेड के लिए मैं सिर्फ कोन यूज़ कर रही हूँ। शेड की बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होती है, तो उसके अलग अलग लुक होते हैं। तो मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस लेके आने वाली हूँ जिसमें मैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के शेडोज बताऊँगी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई है कि मैम आप शेडो के डिज़ाइंस अलग अलग वेरिएशन बताओ, बहुत सारे शेडोज कैसे करते हैं, रियलिस्टिक फ्लावर कैसे होते हैं। तो मैं धीरे धीरे सारी डिज़ाइंस आप लोगों को बताऊंगी। कवर करने की मैं कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज थोड़ा मेरा शेड्यूल बिजी बहुत चल रहा है, इस वजह से मैं वीडियोस में टाइम नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर भी मैंने आप लोगों के लिए टाइम निकाला कि एक छोटा सा क्विक क्रिएशन हो जाए। यहाँ पे साइड में मैं कटवर्क का थोड़ा सा शेप ऐड कर रही हूँ कनेक्ट करने के लिए। डिज़ाइन हमेशा आपकी कनेक्ट रहनी चाहिए एक डिज़ाइन से दूसरी डिज़ाइन के साथ, कभी भी डिज़ाइन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ आपका अगर डिज़ाइन में गैप है तो डिज़ाइन आपकी बराबर नहीं रहेगी, पूरा दूर दूर सारी डिज़ाइन जो है वो बहुत दूर दूर दिखने वाली है। तो मैंने सारी डिज़ाइन को कनेक्ट किया है। यहाँ पे हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी, जब भी आप एंडिंग पार्ट करो, एंडिंग पार्ट हमेशा आपका बहुत सुंदर तरीके से आप पेटल्स के साथ, लीव्स के साथ आप उसको अच्छे से एंड करो, स्टॉक्स के साथ, वाइन्स के साथ आप उसको अच्छे से एंडिंग कर सकते हो। इसलिए ध्यान रहे कि एंड आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लीव्स की डिज़ाइंस ली है, स्मॉल स्मॉल डॉट, फिर सेंटर में थोड़ा मैंने बड़ा वाला बिग डॉट यूज़ किया है। सो फ्रेंड्स, आप ये डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करना। ये डिज़ाइन में आप प्रैक्टिस करो, डिज़ाइंस को अच्छे से ट्राई करो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डीएम करके आप मुझसे बात कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम होगी, अगर मैं टाइम अगर मेरे पास है, मैं फ्री हूँ, तो डेफिनेटली मैं आपको रिप्लाई दूँगी। कुछ लोगों के मैसेज आते हैं कि मैं रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बिकॉज मैसेज सीन करने में बहुत टाइम हो जाता है। कभी कभी मैं सीन कर लेती हूँ, तो मैं श्योर जब मैं सीन करूँगी आपका मैसेज तो श्योर मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई दूँगी। सो आउटलाइन बॉर्डर आप देख सकते हो, इस तरीके से मैंने थिक बॉर्डर यूज़ किया है, बिकॉज़ अगर आप थिक बॉर्डर यूज़ नहीं करोगे जो लाइट शेड है वो हाईलाइट नहीं होगा। लाइट शेड और लाइट डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए हमेशा थिक बॉर्डर का यूज़ करना है।
मैंने जिगजैग स्टार्ट किए। हमेशा जिगजैग आपको सेंटर लाइन से ही स्टार्ट करना है। आप कॉर्नर से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट सेंटर से स्टार्ट करोगे तो आपके जिगजैग के डिज़ाइंस जो है वो परफेक्ट आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारे मैम जिगजैग के डिज़ाइंस आपके जैसे नहीं दिखते, बिकॉज कैसा है कि आप उसको प्रॉपरली क्लियर तरीके से नहीं करते हो। आप एकदम आराम आराम से जिगजैग के डिज़ाइंस को बनाओ, और एकदम फास्ट स्पीड नहीं पकड़नी है आपको, एकदम स्लो स्लो से आप डिज़ाइन को क्रिएट करोगे तो आपके जिगजैग के जो डिज़ाइंस है वो एकदम अच्छे से हाईलाइट होंगे। मैंने भी बहुत स्लो किया है, बट मैंने ये वीडियोस के लिए जो है स्पीड मैंने बढ़ाई है। बाकी मैंने इसमें कम से कम 10 मिनट्स इसमें मैंने दिए हैं, तब जाके जिगजैग क्लियर दिख रहे हैं। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके जिगजैग अच्छे नहीं हैं तो आप उसमें टाइम देख के उसको अच्छे से आप कर सकते हो। फिर हाईलाइट करने के लिए मैंने यहाँ पे थिक बॉर्डर का यूज़ किया है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम आपके डिज़ाइन लाइट डार्क कैसे दिखते हैं, बिकॉज आप लोग की ये प्रॉब्लम है कि आप हमेशा जो है लाइट पार्ट की डिज़ाइन ही ज़्यादा यूज़ करते हो। कुछ लोग लाइट डिज़ाइन अगर यूज़ करते हैं तो उनकी डिज़ाइन हाईलाइट नहीं होती है। डिज़ाइन को हाईलाइट करने के लिए मैं हमेशा लाइट डिज़ाइन पहले लेती हूँ, उसके बाद डार्क डिज़ाइन लेती हूँ। अगर मेरी डार्क डिज़ाइन है तो उसके बाद मैं फिर से लाइट डिज़ाइन लेती हूँ, तो उससे कैसा है कि जो डिज़ाइन का लुक है वो थोड़ा अच्छा दिखता है। तो आप भी इस तरीके से लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन लेके डिज़ाइन बनाओगे तो काफ़ी ब्यूटीफुल दिखने वाली है। यहाँ पे मैं स्मॉल पेटल्स का यूज़ कर रही हूँ, एंड मैंने यहाँ पे 3 लीव्स का यूज़ किया है नॉर्मल। ये मैंने ड्रॉ करके यूज़ किया है। यहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल टेक्निक का यूज़ किया है। आपकी अगर गल्फ़ टेक्निक की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से है तो यू कैन यूज़ गल्फ़ टेक्निक। गल्फ़ टेक्निक में जो सारी डिज़ाइंस होती है वो हमेशा डायरेक्ट बनती है। तो गल्फ़ टेक्निक पे जाने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेडिशनल टेक्निक का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर ट्रेडिशनल टेक्निक में आपकी सारी डिज़ाइंस क्लियर है, सारे पैटर्न, सारे स्ट्रोक्स, सारे वाइंस अगर आपके क्लियर है, तो आप गल्फ़ टेक्निक से वो सारी डिज़ाइंस को बहुत अच्छे से बना सकते हो। यहाँ पे मैंने बॉर्डर का यूज़ किया है। बहुत सारे बॉर्डर्स मैंने वीडियो में बताए हैं, आपको जो भी अच्छे लगते हैं बॉर्डर आप वो बॉर्डर यहाँ पे ऐड करके आप उस डिज़ाइन को और नया क्रिएट कर सकते हो। मुझे ये बॉर्डर बहुत अच्छा लगता है तो मैंने आज आप लोगों के लिए ये बॉर्डर यूज़ किया है। अगेन मैं वापस फ्लावर ही लेने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने स्पायरल ड्रॉ किया है। देन अगेन स्कैल्प का यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे, देन पेटल्स का यूज़। अगर आप इस डिज़ाइन को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप 2 से 3 फ्लावर आप अलग अलग डिज़ाइन के आप इसमें ले सकते हो। अगर आपको फ्लावर और अच्छा आता है, आप और बहुत सारे फ्लावर्स जानते हो, तो आप ये फ्लावर ना लेके दूसरे फ्लावर ऐड करोगे तो भी उसका लुक बहुत अच्छा आने वाला है, उससे भी आपकी डिज़ाइन काफ़ी ब्यूटीफुल हो जाएगी। अगर एक पैटर्न आपने ये बना लिया, दूसरा एंड में आपको कोई इससे रिलेटेड ही पैटर्न लगाना है, तो सेम आप सेटअप वही रखो, बस आप उसका फ्लावर चेंज कर दो। सो सेम प्रोसेस मैं वापस यहाँ पे यही कर रही हूँ। पूरा मैं कटवर्क पूरा यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ पूरा फ्लावर का। कुछ लोग बोलते हैं मैम आपके वीडियोस रेगुलर नहीं आते बिकॉज मेरा टाइम का थोड़ा इशू है, बिकॉज मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी चालू है, मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चालू है, देन ऑर्डर्स भी बहुत सारे चालू रहते हैं। इस वजह से मैं थोड़ा टाइम निकाल के ट्राई करती हूँ, बट मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर आप लोगों को अपडेट देते रहूँ, रेगुलर बहुत सारी डिज़ाइन क्रिएट करते रहूँ। जिन लोगों को भी मेरा आज का ये क्रिएशन अच्छा लगे, प्लीज़ आप इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करना। ज़रूर ट्राई करने के बाद आप मुझे सेंड करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हो, आप मुझे स्टोरी में मेंशन कर सकते हो। देन हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वापस से मैं इस तरीके से बॉर्डर को हाईलाइट कर रही हूँ।
कटवर्क का पार्ट जो है उसको मैं मेहंदी से पूरा फील कर रही हूँ। और हमेशा आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी आप बॉर्डर को ठीक करते हो तो उसमें जो है छोटे छोटे डॉट्स ऐसे नहीं आने चाहिए, बिकॉज उसका एक रीज़न है। आपकी मेहंदी अगर बहुत ज़्यादा टाइट है तो आपके जो बॉर्डर है वो क्लियरली नहीं दिखेंगे। तो मेहंदी जो है एकदम लूज़ भी नहीं रखनी कि बहुत ज़्यादा पानी है तो आपका स्प्रेड होने का पूरा चांसेस रहेगा मेहंदी में। तो ज़्यादा लूज़ मेहंदी यूज़ नहीं करनी, मैं मीडियम मेहंदी यूज़ करती हूँ। ना ज़्यादा थिक रहती है ना ज़्यादा थिन रहती है, मीडियम रखनी है मेहंदी को, तो उससे बॉर्डर्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे भी आएंगे और बहुत ज़्यादा क्लियरली भी दिखेंगे। और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ कि आपके हैंड बहुत कम्फर्टेबल फील रहेंगे, एकदम कम्फर्टेबल आपका जो कॉन है बहुत अच्छा फ्रीली चलेगा। और जो भी अभी तक रेडीमेड कॉन यूज़ करते हैं उन लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लोग जितना हो सके सेल्फ मेड कॉन, होम मेड कॉन, ऑर्गेनिक मेहंदी पाउडर लेके ही आप कॉन यूज़ करें। अदरवाइज़ कैसा है कि जो फिनिशिंग जो दिखनी चाहिए वो फिनिशिंग रेडीमेड कॉन में नहीं मिल पाती, और जितना बारीक वर्क हम लोग करने की सोचते हैं वो बारीक वर्क हम लोगों को रेडीमेड कॉन में नहीं मिल पाता है। अभी मार्केट में बहुत सारे पाउडर अवेलेबल हैं, आप कोई भी पाउडर आपके नियर बाय स्टोर पे या कहीं से भी आपको मिलता है, किसी भी आर्टिस्ट से बाय कर सकते हो कि कोई भी पाउडर उनके पास है तो आप बाय कर लो। बट पाउडर जो है वो फिल्टर यूज़ करो, अच्छा पाउडर यूज़ करो तो ही आपकी फिनिशिंग बेटर रहेगी। और जिनके पास नहीं है तो आप मुझसे भी बाय कर सकते हो, मेरे पास भी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, मेहंदी पाउडर अवेलेबल है, हिना ऑयल अवेलेबल है, ऑल प्रोडक्ट्स। तो आपको चाहिए तो आप मुझसे भी बाय कर सकते हो। सो अगेन मैं वापस से ये सारे zigzag के डिज़ाइंस ले रही हूँ। इस बार मैंने कॉर्नर पार्ट से स्टार्ट किया था, आपने नोट किया होगा, क्योंकि ये पार्ट बहुत ज़्यादा है, बड़ा है, इस वजह से मैंने सेंटर लाइन से स्टार्ट नहीं किया, ये कॉर्नर पार्ट से ही देखो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो जो सारे बॉक्सेस है वो अच्छे से आएंगे। आप इस डिज़ाइन में अच्छे से टाइम देके इस डिज़ाइन को अच्छे से बनाओगे तो बहुत अच्छी बनेगी, सारे zigzag भी अच्छे आएंगे, फ्लावर्स भी बहुत अच्छे से आएंगे। तो आप देख रहे हो ऑलमोस्ट मेरी डिज़ाइन जो है पूरी डन हो चुकी है। लाइट डार्क का जो शेड है वो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैंने शेडो भी यूज़ किया है, देन डार्क पार्ट को भी हाईलाइट किया है, देन लाइट डिज़ाइंस का भी यूज़ किया है। सारी चीज़ें मैंने इसमें यूज़ की कि लाइट भी दिखे डिज़ाइन, देन डार्क भी दिखे। यहाँ पे मैं गैपिंग है तो उसको कवर करने के लिए मैं एक झुमका डिज़ाइन का यूज़ कर रही हूँ। झुमके बहुत सारे झुमकास जो है वो मैंने एक वीडियो में बताए हैं, उसमें से आप कोई भी डिज़ाइन आप लेके यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये नॉर्मल मैंने यहाँ पे इस तरीके का झुमका जो है वो क्रिएट किया है, ये काफ़ी अच्छा भी लगता है। बट बहुत सारी क्लाइंट की डिमांड हमेशा रहती है कि ये बनाओ, और ये हमेशा ट्रेंडिंग में रहता है, तो आप इसको यूज़ करोगे तो डिज़ाइन आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। देख सकते हो आप झुमके का लुक, वाओ रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रियल लुक दे रहा है। तो उसको इस तरीके से आपको बनाना भी है। इस तरीके से मैंने इसके बॉर्डर को हाईलाइट किया है। ये जो स्मॉल स्मॉल चीज़ें हैं, स्मॉल स्मॉल बातें हैं, वो आपको हमेशा याद रखनी है। आप ये स्मॉल चीज़ों को हमेशा याद रखोगे तो आपके डिज़ाइंस में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कोई भी डिज़ाइन या कोई भी चीज़ को स्किप करते हो तो डिज़ाइन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे वापस से मैं फ्लावर का यूज़ करके वापस से कटवर्क लेने वाली हूँ। फ्रेंड्स, आप लोग इस जगह पे आप पूरा लोटस का जो सेटअप है, मैंने लोटस का जो कटवर्क है वो भी बताया, आप वो यूज़ करोगे तो वो भी बहुत मस्त दिखने वाला है।
अगेन वापस से मैं zigzag ले रही हूँ बिकॉज मेरी जो थंब वाली फिंगर है वो इनकम्प्लीट थी, तो इसको मैंने कम्प्लीट किया है. सो फ्रेंड्स, फाइनली मेरी डिज़ाइन कम्प्लीट हो चुकी है. देखो, इसका लुक काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है. आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें.